मेघाय बाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेघाय बड़े बनठन के संवर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। मेघाय बड़े बनठन के संवर के। व्याख्या। कवि कहता है देखो कैसे बन ठंकर और सज धज कर आकाश में बादल घिरे चले आ रहे हैं। उनके आगे आगे उनके आगमन की खुशी में हवा बहने लगी है। उसकी आवाज से और नाचने गाने से गली के हर घर की खिड़कियां खुलने लग गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शहर का कोई मेहमान गांव में आ गया हो। शहरी मेहमान के आगमन का समाचार सुनकर भी घरों की खिड़कियां उसे देखने के लिए खुल जाती हैं। शहरी मेहमान का गांव में भरपूर स्वागत किया गया है। मेघ भी मेहमान की तरह बन ठन कर अर्थात सच संवर कर आए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। मेघाए बड़े बन ठन के संवर के। कवि बताता है बादल आ गए हैं ये जानकर कभी झुककर और कभी गर्दन ऊपर उठाकर उन्हें झांक कर देखने का प्रयास करते हैं। तेज हवा से कभी वृक्ष झुक जाते हैं तो कभी झोंकों के कारण ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार हवा ने आंधी का रूप धारण कर लिया है। जिस प्रकार आंधी आती देख कोई ग्रामीण स्त्री अपना घाघरा संभाल कर तेजी से घर की ओर भागने लगती है उसी प्रकार आंधी के परिणाम स्वरूप चारों ओर घाघरे के फैलाव के समान धूल उड़ने लगी है। नदी भी मानो अपनी तिरछी नजरें उठाकर ठिठक गई है अर्थात उसकी धारा कुछ रुककर उछल कर गई है। आंधी ने ऐसा कर दिया है कि नदी का लहर रूपी घूंघट मुख पर से सरक गया है। इस प्रकार बादल बनठन और सच संवर कर घिराए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की बरस बात सुधी लीन ही। बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। मेघाए बड़े बनठन के संवर के। व्याख्या। कवि बताता है हवा पानी के जोर से जैसे आगे झुककर पुराने पीपल के पेड़ ने आगे बढ़कर मेघ रूपी मेहमान का स्वागत किया। अब की बार तो आपने पूरे साल बाद हमारी खोज खबर ली कहते हुए किवाड़ की ओर से व्याकुल लता नायिका ने बादल रूपी मेहमान का स्वागत किया। अब वो हरी होकर प्रसन्नता प्रकट करने लगी। तालाब भी प्रसन्न हो उठा। वो मेघ रूपी मेहमान के पैर धुलाने के लिए पानी की परात भर लाया अर्थात उसमें एक बार पुनः पानी चमकने लगा। इस प्रकार बादल बन ठन कर और सत संवर कर आए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की बांध टूटा झर झर मिलन के अश्नु ढर के। मेघाए बड़े बन ठन के संवर के। व्याख्या। कवि बताता है इसके बाद क्षितिज रूपी भवन गहरा उठा अर्थात आकाश में बादल छा गए। अटारी पर पहुंचे मेहमान की भांति क्षितिज पर बादल छा गए। वहां बिजली भी चमकने लगी और तन मन आभा से दमक उठा। अब भ्रम की गांठ खुल गई। बादल नहीं बरसेगा ये भ्रम टूट गया। साथ ही यह भ्रम भी टूट गया कि प्रियतम अपनी प्रियतमा से मिलने नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर बादलों के सब्र का बांध भी टूट गया। फिर क्या था वर्षा के रूप में उसकी आंखों से मिलन के समय की प्रसन्नता के आंसू बूंदों के रूप में निकल पड़े अर्थात वर्षा होने लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।